Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, who is stalking on you? Who is obsessively, कौन बहुत ज़्यादा obsessed है आपसे, ठीक है, आपकी personality से, कौन obsessed हो रहा है, कौन stalk कर रहा है, obsessively stalking on you, ठीक है, कौन एक observer की तरह आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। तो अच्छी collective reading होती है, timeless reading होती है, resonate कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, पिक का कार्ड्स मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट रीडिंग्स मिल जाएंगी आपको, जूडिक बेस साइन रीडिंग्स मिल जाएंगी, सारा शॉर्ट कंटेंट होता है। इस चैनल पर मेरा एक लेंदी और इन डेप्थ कॉन्टैक्ट कॉन्टेंट होता है, ठीक है। आप डीप एनालाइजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी और शॉर्ट कंटेंट या शॉर्ट एनालाइज आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। उस चैनल पे मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? कौन आपसे इतना ऑब्सेस्ड है कि आपसे आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, कौन है जो सोशल मीडिया अकाउंट या आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है, ये कौन पर्सन है? Who is stalking on you? कोई भी हो सकता है, ठीक है, let's see. Okay, ये person एक mental jail में है, बहुत stuck खुद को feel करता है, ठीक है, hold back करता है और काफी nervous, काफी confused है। ये कोई आपका मतलब कि कोई आपको crush कर रहा है, ये कोई ऐसा person है जो एक आपको लेकर मतलब कि खुद को जेल, एक मेंटल जेल में है। शायद इतनी ब्लॉकेजेस है नहीं, ये चाहे तो आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है अपने दिल में, अपनी सोचों में, ठीक है। नर्वस है, इसको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, ये कांटेक्ट में नहीं है आपसे यार, कांटेक्ट में ये नहीं आता क्योंकि एक नर्वसनेस है, ठीक है। ये अपने इमोशन, अपना सब कुछ, एक अपना जो पैशन है आपको लेकर होल्ड बैक करना, सप्रेस करना, अपने अंदर ही दबाते रहना, ये वो इंसान है, ठीक है। ये काफ़ी होल्ड करके रखा हुआ है आपको लेकर अपने जज्बात या आपको लेकर अपना पैशन, खुद को ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस या किसी ऐसी प्रॉब्लम में या किसी ऐसी जगह स्टक है कि आपको अप्रोच नहीं कर पाता है, आपको कभी बता नहीं पाता है, आपको स्टॉक एंड सर्च करता है। ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, और मतलब यहाँ पर ये जेमिनाई हो सकता है, पर्सन एक्यूरियस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, लिब्रा बहुत कम, ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से यहाँ पे आप पाइसिस देख सकते हैं। ये पर्सन पाइसिस हो सकता है जो काफ़ी नर्वस है, ठीक है, जो आपको अप्रोच करने से बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, ठीक है। लेट्स सी Who is stalking on you? बहुत ज़्यादा सोचता है ये इंसान आपको लेकर, ठीक है, लेकिन शेयरिंग पे नहीं आना चाहता या शेयरिंग पे नहीं है, शेयरिंग पे इसके हालात इसको अलाउ नहीं करते, ठीक है, या आपके साथ अपने जज्बात या जो भी है ये आपको बताए कि वो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। Who is stalking on you? काम करता है ये आपके साथ, ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपके साथ काम करता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है, आप काम करते हैं, कोई और तीसरा भी इंसान है, ये एक वर्क प्लेस पे आप लोग काम वाम करते हैं, बहुत पेशेंस है इस इंसान में, ठीक है, बहुत मतलब कि इन्वेस्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करता है ये पर्सन, ठीक है, रूट्स पे काम करता है, बहुत ज़्यादा रूट्स, कीन ऑब्जर्वर, रूट्स पे काम करना, पेशेंस, ठीक है, अपने टाइम का या अपने फ्रूट्स का वेट करना इसको आता है, ठीक है, लेकिन ये आपको काफ़ी अट्रैक्ट, आपको काफ़ी एक मतलब के कॉन्फिडेंस मेल या फीमेल की तरह दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपका, जो आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से आप, बहुत एक फ्रीडम है आपके अंदर, जैसे आप अपनी लाइफ में एक फ्री विल है आपके पास, मतलब कि बहुत एक अट्रैक्ट होता है आपका, एक आप एक ऐसे पर्सन है जो जिसको कोई कैद नहीं कर सकता, ठीक है, जो जिसको कोई होल्ड नहीं करके रख सकता, बहुत फ्री, एक फ्री मतलब कि फ्री बर्ड की तरह है, ठीक है, कोई आपको ये पर्सन आपके एक एक फ्रीडम से, ये पर्सन आपके एक कॉन्फिडेंस से बहुत अट्रैक्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी से, जिस तरीके से आप चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका है,
जिस तरीके से आप इस पर एक कोलैबोरेट करते हैं, काम जो करते हैं, जिस तरीके से भी आप चीज़ों को डील करते हैं, ये ऑफिस वर्क में हो सकता है, कहीं आप एक लोग आप लोग एक साथ पढ़ते हैं, कोई और फ्रेंड भी आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई है, बहुत साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करता है, बहुत साइलेंटली ये मतलब कि ये कोई ऐसा पर्सन है बहुत ज़्यादा साइलेंट रहने वाला पर्सन है, ठीक है, शायद बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं होता, लेकिन ये आपको स्टॉक एंड सर्च करता है क्योंकि आपको पसंद करता है, इसके अंदर आपको लेकर एक स्पार्क और एक स्पार्क है, आपको लेकर एक अट्रैक्शन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, एक स्पार्क फील हो रहा है, एक स्पार्क वाली एनर्जी है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये पर्सन आपके साथ एक मैरिज का ड्रीम देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज, ये पर्सन आपको खुद भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, ड्रीम देख रहा है, खाली डे ड्रीम कर रहा है, नाइट ड्रीम कर रहा है, ड्रीम कर रहा है आपको मतलब कि टाइम चाहता है आपको कुछ बोलने से पहले, आपको समझना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं, आपका भी आपका माइंडसेट क्या है इस पूरे सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, ये पर्सन आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, सोलमेट, एक सोल बॉन्ड की तरह देख रहा है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, सारी बातें करता हुआ एक्सप्रेशन इतना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ये आपके करीब आना चाहता है, ये आप में काफी इंटरेस्ट ले रहा है, इसको अट्रैक्शन फील हो रही है, इस चीज को लेकर कन्फेशन पे नहीं है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये पर्सन आपके ऊपर क्रश कर रहा है, या ऐसा हो सकता है आप भी इसके ऊपर क्रश करते हैं, लेकिन आप दोनों ही साइलेंट हैं, लेकिन ये नर्वस है, इसको नहीं पता कैसे आपको कन्फेस करना है, या बताए भी या ना बताए, ठीक है, इसको ये चीज समझ में नहीं आती, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, ये कोई एरीज हो, सैगिटेरियस हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, लेकिन पेशेंस, फूक फूक कर कदम रखना, ठीक है, चीजों को देखभाल कर लेकर चलना, देखभाल कर एनालाइज करना, ये वो इंसान है। अच्छी, देखते हैं यहाँ पर ये कौन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ऑब्सेसिव, ये पर्सन आपको सोलमेट, सोल बॉन्ड, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसी का एक अदर आप इसका एक दूसरा हिस्सा है, एक दूसरा पार्ट है, ठीक है, ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ओके, सेवन की एनर्जी यहाँ पर सक्सेस, एक इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, मैं इतना बता दूं, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली कोई ना कोई अलाइनमेंट है, आप लोग का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, कोई पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअल बॉन्ड, आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शेयर करते हैं, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, इस पर्सन को आप एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट, ठीक है, लग रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हैं आप लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, विजडम है आपके अंदर भी है, ठीक है, एक विजडम ओरिएंटेड आपको लोग पसंद करते हैं, एक काम की जगह हो सकता है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, इस पर्सन को चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, रिलीजियस कास्ट कास्ट कल्चर फैक्टर है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है, लेट्स सी देखेंगे यहाँ पर किस तरीके का ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, लेकिन यहाँ पर एक लव बिगिन, आप तो कुछ लव बिगिन कर सकते हैं, कोई किसी पास्ट में स्टक है, या तो कोई किसी नेगेटिव थॉट में स्टक है, या कोई किसी डार्कनेस में स्टक है, ठीक है, कोई इंसान है भाई, ये स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेस्टिनी, एक डेस्टाइन कनेक्शन है, कोई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है, सृष्टि को अगर पाना है तो किसी चीज को रिलीज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में से, किसी हिस्से को रिमूव करना पड़ेगा, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्लैरिफाई ट्रायंफ एंड सक्सेस, सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, इसको सक्सेसफुल होना या इसको लीड करना, ठीक है, इसको लीड करना, हर चीज गोल्स है इस पर्सन के, अचीव करना इसको पसंद है, शायद इसके पास इतना इनफ मनी या अच्छी स्टेबल अर्निंग नहीं है, ठीक है, जो इसलिए ये खुद को ब्लॉक फील करता है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है, सोचता है कि इसके पास इतना कुछ है नहीं, स्पिरिचुअली चीजों को सोचता है, इसको ऐसा लगता है टाइम लगेगा आपकी तरफ आने से पहले, स्टेबिलिटी इशू को, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, या ये आपको इतना जल्दी स्टेबल कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये कुछ चीजों के बेहतर होने के बाद आपको अप्रोच कर सकता है, या आपको आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसका एक फाइनेंशियल बैलेंस आ जाए, या कोई स्टेबल हो जाए ये पर्सन, ठीक है, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल आप इस रिश्ते में फील हो रहा है, ठीक है, टावर, बिल्कुल जैसे कि रियलाइज होना या ट्रांसफॉर्मेशन होना, स्पिरिचुअल चीजें इस पर्सन को फील हो रही है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल टच है इस रिश्ते में, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, अगर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ आप लोगों का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है,
कंफ्यूजन, नर्वसनेस, अदर ऑप्शंस को खत्म करना पड़ेगा इस पर्सन को, ठीक है? अगर आपकी तरफ आना है तो देखिए कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। ये पर्सन काफी वर्कोहॉलिक है, ठीक है? और इसके अंदर पेन बहुत है, इसके अंदर डिस्टर्ब एनर्जी बहुत है, इसको फियर बहुत है रिजेक्शन का। मैं आपको बता दूं, कन्फेशन पे या कनेक्शन को ये एक स्टेबल बनाने से पहले ही पर्सन खुद को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है? इसको रिजेक्शन का डर रहता है, इसको कन्फेस करके डिसरिस्पेक्टफुल होने का डर रहता है। ये आपके काम की जगह पे हो सकता है, आप लोग एक साथ कहीं पढ़ते हैं, या इस पर्सन की लाइफ में थोड़ी सी वीकनेस है, आप अच्छी जगह हैं, या अच्छी अच्छी लाइफ आपका लाइफ है, बिल्कुल आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम और इशू नहीं है, आपकी आप एक हीलिंग वाले पर्सन है, आप हील करने वाले। ये पर्सन काफी स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन आपका एक जो एक होता है ना, एक फ्री नेचर देखकर ये बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट करता है। आपको एक इस पर्सन को ऐसा लगता है आप में मतलब कि आप काफी एक एक्साइटमेंट वाले पर्सन है, आपके आप हर चीज को एंजॉय करना जानते हैं, आप हर चीज को फील करना जानते हैं, ठीक है? इसके अंदर हर्ट है, इसके अंदर पेन है, ये एक अंधेरे, ये डार्कनेस गुजर रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है। इसके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्ब एनर्जी है, ठीक है? ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस से, किसी डार्कनेस से, किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में पहले पीस लाना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है, फिर रिलेशनशिप वगैरह को, ये क्योंकि इसको पता है इसके पास खुद खुद सुकून नहीं है। सामने वाला इंसान एक दूसरे की लाइफ में, लोग दो लोग यूँ कनेक्ट होते हैं क्योंकि एक एक बैलेंस और एक पीस, एक हारमोनी कायम कर सकें, एक दूसरे के साथ हारमोनी बना सकें। जब एक दूसरे के लिए सुकून या पीस ही नहीं होगा, एक दूसरे को कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे के साथ आना बेकार है, मतलब कि वो रिश्ते टूट जाते हैं, वो रिश्ते कमजोर होते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है जब तक अगर आप स्टेबल, खास तौर पर अगर ये मेल है और ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आपको इतना जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना जल्दी कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना, आपके बारे में जानना, आपके साथ कोई इंट्यूटिव कनेक्शन या बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है? इस पर ये पर्सन ये काफी इंट्यूटिव हो सकता है, थर्ड आई चक्रा ओपन है, लेकिन इसको ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस लगते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ने कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच लिखा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर स्टेबिलिटी का इशू है, यहाँ पर स्टेबल इनकम या स्टेबल होम लाइफ का इशू है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है आप काफी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, तो इस पर्सन को भी खुद को अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है? कोई न्यू इंसान हो सकता है जो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर वाली एनर्जी, ऑब्जर्विंग एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है? ओके, होपफुल है इस रिश्ते में कुछ बेहतर होगा, कुछ बेटरमेंट आएगी, आप लोग के बीच कुछ स्टार्ट होगा। ये पर्सन होपफुल वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा खुद को एक होप, एक इसको होप है कि आप लोग के बीच कुछ ना कुछ एक अच्छा होगा, ठीक है? कोई बैलेंस एनर्जी जरूर आएगी। ये आपको कुछ स्टेबल और सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, ये डिवाइन से स्ट्रेंथ मांग रहा है, डिवाइन से बैलेंस मांग रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट मांग रहा है, प्रेयर कर रहा है, बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये बनाना चाहता है। ओके, थोड़ा सा इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा है, कोई ना कोई ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, कुछ इस पर्सन ने कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा, मेंटल आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा एक मेंटली एक आर्ग्यूमेंट या मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहना, ठीक है? मैनिफेस्टेशन पावर, ये एक स्मार्ट पर्सन है, मैं इतना बता दूं, ठीक है? एक स्मार्ट पर्सन है, लेकिन ये मैनिपुलेट होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को मैनिपुलेट होने से थोड़ा सा घबराहट होती है, ये मैनिपुलेट नहीं होना चाहता, ये अपनी लाइफ में पीस चाहता है, ठीक है? ये अलर्ट है, मैं ये कह सकती हूँ अलर्ट है, क्योंकि इसने पास्ट में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में फेस किया हुआ है। ये एक बैलेंस चाहेगा आपके साथ, ठीक है? एक बैलेंस, ये एक्यूरियस हो सकता है, ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है। ये थोड़ा सा एक आपको कंट्रोल करना और वो वाली एनर्जी, जैसे कि होते नहीं जो एम्परर लाइक पर्सन होते हैं, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन होते हैं, मैरिज करते हैं और अपनी फीमेल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा एक इसके फादर फिगर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसको आदत है, ठीक है? या तो फादर मदर, कोई ना कोई कंट्रोलिंग पर्सन है जो इसके अंदर एक आदत डेवलप कर चुका है, ठीक है? जिसको थोड़ा सा होल्ड रखना अपने हाथ में, बैलेंस रखना अपने हाथ में, ठीक है? इसीलिए खुद को स्टेबल और बैलेंस करना चाहता है। ये फीमेल है या मेल है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी रिस्पेक्ट जब होती है, जब आप खुद को स्टेबल और एक स्टेबल होते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर रहे होते हो, आपके पास कुछ होता है, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस माइंड में ये इंसान, ठीक है? द व्हील भाई, आप लोग के साथ चीजों को वर्क करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है डेस्टिनी में होगा तो चीजें आपके साथ बेहतर हो जाएंगी, आप लोग एक लॉन्ग टर्म को भी प्लान कर लेंगे, ठीक है? इसका क्या है, इस रिश्ते को लेकर कोई फ्यूचर
फ्यूचर इसका कोई माइंडसेट है बैलेंस, बिल्कुल इसको लगता है फ्यूचर के साथ, फ्यूचर में आते आते मतलब क्या और चीजें बढ़ते बढ़ते चीजों में बैलेंस आएगा। हार्ट ब्रोकन, ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन हीलिंग चाहता है। मैं आपको बताऊं, थ्रोट चक्रा इसका ब्लॉक है, इतना आसानी से एक्सप्रेसिव वे में नहीं आएगा। खुद को बैलेंस करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हील करना। कोई वूंड है, कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, ठीक है डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन कुछ वूंडेड है। एक्सिलरेटर मोशन, इसको होप है इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। स्पिरिचुअल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ को अच्छा करना चाहता है। फ्यूचर को लेकर प्लान्स अच्छे, लेकिन एक डेस्टिनी ने साथ दिया, लेकिन ये पर्सन आपसे कंट्रोल नहीं होना चाहेगा। एक ऑब्सेशन या एक टॉक्सिसिटी ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। ये एक हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जुड़ेंगे तो हील करेंगे, खास तौर पे आप इस पर्सन को हील करेंगे। एक हीलिंग आपके पर्सन के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, ठीक है। जो भी आपको, जो भी काफी आपको वैल्यू कर रहा है या आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ये पर्सन एक मेच्योर, एक सीरियस टाइप पर्सनैलिटी है, साइलेंट पर्सनैलिटी है। जब तक खुद कंफर्म नहीं हो जाता, या जब तक इसको आपको लेकर फर्दर क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि आप इसके लिए सही हैं, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर लेता, उस वक्त तक ये पर्सन आपको एक्सप्रेसिव वे में नहीं आएगा, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड नहीं करेगा। या तो एक ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं, ट्रस्ट इशूज, कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने बैक स्टेप किया, कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ये पर्सन हर्ट हुआ है, मेल है या फीमेल है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है। ये जैसे कि अनएक्सप्रेसिव इंसान हो चुका है, इसके इमोशंस ड्रेन हो चुके हैं, आपको इसको हील करने में मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, इसको एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, ये आपका न्यू सोलमेट हो सकता है, लेकिन एक सोल बॉन्ड, एक सोल अट्रैक्शन, एक सोल कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ, एक फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, बैलेंस की, लॉन्ग टर्म की, ठीक है। तो स्टूडेंट को यहीं पर रखूंगी, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।